वी विल डिस्कस टुडे, बिकॉज अभी जिस बच्चे के भी कंप्लीट हो गए, मुझे अभी पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे जल्दी से शेयर करो, सो दैट वी कैन। मैंने भाई को शेयर किए हैं। तन्वी ने कर दिए बस, बाकी ने नहीं किए ना। मैं मैंने बायो को किए थे कल। कौन है आपका नाम क्या बताओ मुझे, तभी मैं। खुशी शर्मा। हाँ मैम, खुशी शर्मा। खुशी, तन्वी और खुशी के पहुंच गए हैं मेरे पास। और बाकी बच्चे, बाकी बच्चे भी शेयर करो मुझे। तरुण अभिजीत ने भी कर लिए, वो हॉस्टल में है तो उनका मुझे पता है। बाकी बच्चों का क्या हुआ, जल्दी से शेयर करो बच्चों, जिसका भी हो गया है ना मुझे जल्दी से शेयर करो। एक्सक्यूज मी मैम, क्लास हो रही है अभी, कर दो मुझे शेयर। यस टेल मी मैम, जो वो क्वेश्चंस बनाने थे मैम, वे लॉन्ग क्वेश्चन होने चाहिए ना। हाँ लॉन्ग क्वेश्चन होने, 2 मार्क टाइप, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं, ओके मैम। 30 वर्ड्स, 30 to 40 वर्ड्स में होने चाहिए, 2-3 लाइंस। मैम टोटल ओके मैम, क्वेश्चन 20 बनाने हैं ना। टोटल क्वेश्चन 20 बनाने हैं, जो बुक के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, खुद के होने चाहिए। ओके मैम। और अभी आप वैसे तो क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप एक पेज देख रहे हैं जो शेयर हो रखा है, या आपका इवेपोरेशन है, जब तक आप मुझे क्वेश्चंस भेज रहे हो, जब तक मैं उन्हें ईमेल पे फॉरवर्ड ले रही हूँ, तब तक आप इसको पढ़ेंगे। कोई एक बच्चा इसे पढ़ने लगे, जिस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं बताए अभी तक, जो क्वेश्चन नहीं बता रहा, जो बिजी नहीं है, तो वो पढ़े यहाँ से इवेपोरेशन से, रीड फ्रॉम इवेपोरेशन। ओके मैम। डू वी ऑलवेज नीड टू, यस इवेपोरेशन, कशिश यू कैन डू, कोई भी पढ़ लो, कोई डजंट मैटर, कुछ नहीं होता। शगुन यू कैन, शगुन रीड। यस मैम, इवेपोरेशन, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, कैन यू क्वाइट सम एग्जाम्पल्स फॉर एवरी डे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचेस द बॉइलिंग पॉइंट, वॉटर वेन लेफ्ट अनकवर्ड कवर्डेड स्लोली चेंजेज इन वेपर्स, wet cloth dry up, what happens to water in the above two examples. We know that particle of matters are always moving and are never at rest. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. In the case of liquid, a small friction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and get covered into vapors. This ma'am, you are speaking something? Yes. ये रीडिंग सबका हो गया है। पहली बात तो सभी बच्चे अपने आप को म्यूट करेंगे, क्योंकि किसी की बैकग्राउंड वॉइस नहीं आनी चाहिए। एवरीवन क्या बनाओगे दोपहर में? दोपहर में दोपहर में बताओ फिर क्या स्पेशल मिलेगा जो डोंट यू बताओ दोपहर में क्या हु इज स्पीकिंग दोपहर में बताओ दोपहर में कुछ कुछ रोनिक म्यूट योरसेल्फ Yes. Now I am saying that in the class you will be you are reading also, and please be sure that everyone else is also studying. ठीक है? तो अगर मैं बोलूंगी तो आप सुनोगे, आप बोलोगे तो मैं सुनूंगी, दोनों एक साथ कैसे बोल सकते हैं? ठीक है? कम्युनिकेशन टू वे होगा, दोनों बोलेंगे, पर बारी बारी से ही तो बोलेंगे, एक साथ थोड़ी बोलेंगे। यस मैम। यस, सो नाउ शगुन हैज रेड वन पैराग्राफ, आई वांट अग्रिम टू एक्सप्लेन दैट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ को एक्सप्लेन करो अग्रिम, इवेपोरेशन के फर्स्ट पैराग्राफ को।
क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं, अगर आपने मेरा कहा हुआ नहीं माना क्लास में तो आप हाईलाइटेड हो। ये वीडियो यूट्यूब पे जाता है, ये वीडियो सरिता मैम भी देखते हैं, प्रिंसिपल मैम। मैंने किसी बच्चे को कुछ करने को कहा क्लास में एक्टिविटी, वो फॉलो करना है, दैट शुड बी फॉलोड। सो अग्रिम एक्सप्लेन द फर्स्ट पैराग्राफ, अनम्यूट योरसेल्फ, एक्सप्लेन द फर्स्ट पैराग्राफ। मैम डू वी ऑलवेज नॉट क्लियर मैम, क्या हमें जरूरत पड़ती है कि हमें हीट को चेंज कर उसका प्रेशर चेंज करने की जरूरत पड़ती है? इसके लिए क्या हमें जरूरत पड़ती है हीट या प्रेशर चेंज करने के लिए, क्या करने के वक्त? मैम मैटर, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के वक्त। मैं किसी भी बच्चे को किसी भी वक्त कोई भी लाइन एक्सप्लेन करने को कह दूंगी, सभी की आंखें उसी लाइन पे होंगी जिस लाइन पे ये पढ़ रहा है। अटेंशन उधर ही होना चाहिए जहां पे पढ़ाई चल रही है, ठीक है? सेकंड लाइन, सेकंड लाइन पढ़ो। कैन यू कोट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ? क्या क्या आप रोज की लाइफ से कुछ एग्जांपल ले सकते हैं? Where change of state from liquid to vapor take place without the liquid? Where change of state? Reaching boiling point. जहाँ state, जहाँ वहाँ बताओ। Very good. Try करते हो, बताओ। जहाँ पर change of state? Liquid अपने boiling point reach हुए बिना, जहाँ पर liquid अपने boiling point पे reach हुए बिना vapors बनता है। क्या बनता है? वेपर्स। तो क्या अपनी एवरीडे लाइफ से कोई एग्जांपल दे सकते हो? अग्री में एक एग्जांपल दो, एग्जांपल दो जहां पर आप देखते हो कि वाटर बिना गैस पे चढ़ाए हवा बन गया। अग्रिम ही देगा है, उसका ही पैराग्राफ है ये। हमने बोला है कि बॉइलिंग नहीं होनी चाहिए, बस वॉटर है बिना बॉइलिंग के ही, बिना बॉइलिंग पॉइंट पे रीच हुए ही वेपर बनना है। क्या आपकी डेली लाइफ में ऐसा कोई एग्जांपल होता है जहां पे पानी बिना उबले आप बनता है? अग्रिम को पहले ट्राई करने दो, उसके बाद ही कोई बताएगा। डेली लाइफ में आपने ऐसी कोई सिचुएशन देखी है जहां पे थोड़ी देर पहले पानी था, फिर थोड़ी देर बाद आके देखा पानी गायब है? अग्रिम? यस मैम। बताओ ऐसा होता है डेली लाइफ में? ऐसा होता है? नेक्स्ट कशिश, कशिश तुम बताओ। मैम वेट क्लोथ्स इन सनलाइट, हाँ जब हम अपने कपड़े सुखाते हैं तार पे डालते हैं तो वो थोड़ी देर बाद धूप से क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, एवपोरेशन। तो जब भी नेचुरल फिनोमिना में आपका इस तरह से होता है कि इवेपोरेशन हो रही है तो वी से दैट विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही क्या हो रहा है? इवेपोरेशन, वो पानी अपनी वेपर्स में आ गया। इसी प्रोसेस को कहते हैं विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट द वाटर कमिंग इट्स वेपर स्टेट इज नोन एज इवेपोरेशन, ठीक है? ओके मैम। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ समझाएगा कोई भी, समझा दो एक बच्चा नेक्स्ट पैराग्राफ। एनीवन एक्सप्लेन नेक्स्ट पैराग्राफ? यश, यश समझाएगा नेक्स्ट पैराग्राफ। यश एक्सप्लेन, आर यू देयर? मैम वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। मैम हम जानते हैं कि जो पार्टिकल है मैटर के जो पार्टिकल है वो हमेशा मूव करते रहते हैं और कभी रेस्ट पे नहीं रहते, और जब
at a given temperature in any gas, liquid or solid. There are particles with different amounts of kinetic energy. मैम किसी भी केस में चाहे गैस हो लिक्विड हो सॉलिड हो अगर गैस होगी तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होती है लिक्विड होगा तो उसमें गैस से कम होती है और सॉलिड में सबसे कम होती है काइनेटिक एनर्जी मैम काइनेटिक एनर्जी वो होती है जिसमें पार्टिकल्स को हम जितना गर्म करते हैं वो उतनी तेज चलते उतनी तेज मूव करते हैं तो इन दिस केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी तो मैम जो लिक्विड्स होते हैं उसमें बहुत ही कम पार्टिकल्स जो हैं वो जो सरफेस पे हैं वो काइनेटिक एनर्जी उनकी ज्यादा होती है और वो ब्रेक कर सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ठीक है और फिर वो मैम वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं मैम इस फिनोमेनन को जो लिक्विड से वाटर वेपर में चेंज होने को कहते हैं वेपोरेशन वेरी गुड तो हो गया ये भी पैराग्राफ अब हम 20 क्वेश्चंस का सेट शेयर कर दिया है पहले तन्वी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं ओके और बाकी बच्चे मुझे कल भेजेंगे ठीक है क्लियर ओके मैम दिस इज द थर्ड क्वेश्चन व्हाट आर वेरियस सेल्स इन ह्यूमन बॉडी जो हमारा डायग्राम था ठीक है सेल्स कितने तरह के हमने उसमें सेल देखे थे उस डायग्राम में एनसीईआरटी के डायग्राम में कितने सेल दिए थे तो उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं कौन कौन से सेल्स के नाम लिखे हुए हैं हु विल टेल ब्लड सेल नर्व सेल स्मूथ मसल सेल बोन सेल फैट सेल स्पर्म और ओवियम वेरी गुड और भी होते हैं बट बुक में इतने दिए थे व्हाट इज डिफ्यूजन नेक्स्ट क्वेश्चन सो हु विल रीड द डेफिनेशन कोई भी एक बच्चा रीड करो एंड सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 oxygen O2 can move across the cell membrane by a process called cell diffusion. Very good. Next question, Tanvi, tum read karo. Write the names and some scientists which are similar right. and discovery of cell, which are involved in discovery of cell. Yeh question yahan par aise hona chahiye which are involved with the discovery of okay? ओके मैम तो आप इसका आंसर डिस्कस करो बताओ अपना आंसर लीवेनहुक इन 1674 फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर रॉबर्ट ब्राउन 1831 न्यूक्लियस ऑफ सेल प्रोकेंजी 1839 प्रोटोप्लाज्म Sheridan 1838 and Szechuan in 1839. They both discovered the cell theory that all the plant and animals are composed of cell and that the cell is the basic unit of life. Virtue 1855, the cell theory was further explained by him. Very good. So, yahan par aapne 6-7 साइंटिस्ट का नाम लिखा है ईयर लिखा है डिस्कवरी लिखी है नाइस क्वेश्चन और यहाँ पर क्वेश्चन ठीक है यहाँ पर बस एक पॉन्ड की स्पेलिंग सही नहीं है POND होगा यू नहीं आएगा और एक जो आपने प्रोनाउंस किया था वर्को होता है इसको वर्को बोलते हैं वर्चोन नहीं बोलेंगे वर्को बोलेंगे ठीक है अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन नंबर आ रहा है डजंट मैटर पर डिस्कस करना है ठीक है यस
नेक्स्ट स्टूडेंट विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. एनीवन एल्स? नेक्स्ट स्टूडेंट विल डिस्कस. जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, मेरे क्वेश्चन बोलते ही आंसर आना चाहिए मुझे. यस, एनीवन एल्स विल डिस्कस दिस क्वेश्चन? कोई भी बच्चा है का ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करो. तुम पढ़ो अभी, तेज पढ़ो. Why is endocyte? And four endocyte is two acute, the outermost. Question पढ़ना है. Why is to occur the outermost should be flexible like the plasma membrane of animals, but in plant cells as all is the outermost membrane of which is very rigid. Hence, endocytosis occur only in animals and not in plant. Good. तो एंडोसाइटोसिस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एंडोसाइटोसिस एनिमल सेल में क्यों हुई, प्लांट में क्यों नहीं हुई. तो रीजन क्या है, क्योंकि एनिमल की आउटर मेम्ब्रेन कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. और प्लांट में सबसे आउटर मोस्ट कौन होती है, सेल वॉल. सेल वॉल तो रिजिड होती है, सेल वॉल इज रिजिड. तो फ्लेक्सिबल चीज का ही तो एंडोसाइटोसिस हो सकता है. Yes, ma'am. Very good. Now, yes, ma'am. Next answer. Next answer, discuss karo. Next answer, discuss karo. Why is next answer showing clearly? My screen clear. Why is? Padho. This is because its package material synthesized in the ER and dispatches it to intercellular plasma membrane and lysosomes, extracellular cell surface targets. Very good. Golgi apparatus secretory organelle क्यों कहते हैं? Because वो pack भी करती है materials को जो भी उसके साथ पास आते हैं, बन बन के ER बनाती रहती है, RER protein बनाती रहती है, उधर भेजती रहती है. SER lipids hormones बना के उधर भेजती है और ये पैक कर देती है. पैक करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही अंदर पैक कर देती है. लाइसोसोम्स के अंदर कुछ एंजाइम्स भेज देती है, कुछ सेल के सरफेस तक पहुंचा देती है, दूसरे सेल्स में भेज देती है, बाहर ट्रांसपोर्ट कर देती है, कुछ सेल के अंदर ही दूसरी ऑर्गेनेल्स में ट्रांसपोर्ट कर देती है. क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई, मैम कैन आई रीड नाउ? बोलो. एम कैन आई रीड? हाँ बोलो. What are the functional regions of cell? Answer. There are three major functional regions of cell. First, cell membrane. Second, nucleus. Third, cytoplasm. Very good. So, तीन components जो हैं cell के वो ये हैं. अब हम next page या next questions discuss करेंगे. क्या? पढ़ो. Next बच्चा पढ़ो कोई. तरुण Excuse me, ma'am. हाँ बोलो. मैम मुझे ये पूछना था कि जो आपने चैप्टर्स कराए हैं हमें उनमें से ही क्वेश्चंस ढूंढने हैं या फिर हम जो आपने नहीं पढ़ाए उनमें से भी ढूंढ सकते हैं? जी, जो अभी हमने पढ़ाए हैं वो उनमें से ही पूछना है. सिर्फ मैंने पढ़ाया और जरूरी नहीं है, फिजिक्स वाले सर का, प्रशांत सर का भी बना सकते हो आप, उस चैप्टर का भी बना सकते हो. ओके मैम, थैंक यू. केमिस्ट्री का भी बना सकते हो, बायो का. तीन चैप्टर है आपके पास, तीन में से कोई एक चुन सकते हो. अब ये तरुण पढ़ेगा इस क्वेश्चन को और वही समझाएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन. How many organs are there of cell? Name them. Answer. There are five type of organs: cell membrane, cell wall, nucleus, cytoplasm, cell organelles. Okay. So five types of organs बोल सकते हैं. Mainly, generally बोला है यहाँ. In general बोला है. ठीक है. तो क्या-क्या होगी? Cell wall, cell membrane, nucleus, cell wall, cytoplasm, cell membrane, and cell organelles. सेल ऑर्गेनेलीज बहुत हो सकती हैं, तरह तरह की हो सकती हैं, जैसे कि प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं बट एनिमल में नहीं होते. तो इन जनरल नाम लिखा है बस. तो अच्छा क्वेश्चन है. सेल वॉल, हाँ सेल वॉल भी, सेल वॉल जैसे एक में नहीं हो सकती है. हाउ मेनी सेल ऑर्गेनेलीज आर देयर? सेल ऑर्गेनेलीज के भी नाम लिखे हैं. अच्छा क्वेश्चन है. हम सेल ऑर्गेनेल, हम सिक्स पढ़ो. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक
Reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, blastids and yolk vesicles. Excuse me, ma'am, we have to write these questions somewhere. Group discussion. ये सिर्फ एक टेबल टॉक है, जो भी आप क्वेश्चन बनाओगे सारे बच्चे उनको देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उन्हें पता रहेगा कि किस तरीके का क्वेश्चंस बन सकते हैं उस चैप्टर में से. हर बच्चा एक चैप्टर के भी अगर इतने सारे टाइप्स के क्वेश्चन देखेगा उसे पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में से इतनी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. ओके मैम, योर वॉइस इज नॉट कमिंग. ओके So now discuss the next type of question. जल्दी से पढ़ो. Explain two type of plastid. First chloroplastid, second leucoplast. Chloroplast, colorless plastid. Chromosome contain the pigment chlorophyll are known as chloroplast. Leucoplast are the primary organelle in which material such as starch, oil and protein ग्रामेनियस आर स्टोर्ड. ओके, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, उनके अंदर अलग अलग कलर्स होते हैं, जैसे कि अगर हरे कलर का होगा तो क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा. ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस में काम आता है. तो ऊपर लिख सकते हैं दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. तो तन भी यहाँ एडिट कर लेना. एडिट करके उस आंसर में क्या लिखोगे, आगे एड करोगे कि हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. Chloroplast that help in photosynthesis. Clear हो गया? Photosynthesis. Yes ma'am. Leucoplast में white होता है, कोई color नहीं होता, but उसमें starch, oil, protein ये सब store होता है. Next question पढ़ो कोई भी एक बच्चा. Ma'am, what is the work of ribosome? Work of ribosomes in the work of RER. In the work of RER. Ribosomes help the rough endoplasmic reticulum. To make in rough, ma'am, thing is not clear here. I think the photo is not clear. That's why I cannot. To make it rough, ribosomes help the RER. Okay. Make it rough, and the particles of ribosomes. The particles of ribosomes seen under microscope. Sorry, under microscope. बात हो गया. This is not complete answer क्योंकि आपने तो सिर्फ ये बता दिया ribosome क्या है. What is ribosome? बता दिया कि ribosome rough होते हैं. वो ER के ऊपर लगे रहते हैं और उससे ER रफ लगती है. ये बताया है आपने. वर्क तो बताया ही नहीं राइबोसोम्स का. तो तन्वी, इसका राइबोसोम का वर्क जल्दी से पूरा करो. बताओ मुझे क्या होगा इसका वर्क. टेल मी व्हाट यू विल राइट. व्हाट इज द वर्क ऑफ राइबोसोम्स इन RER? जल्दी बताओ. राइबोसोम का वर्क दूसरे बच्चा बताओ, कोई भी दूसरा बच्चा. राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. यस, तो इसमें ये आएगा कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये एडिट कर लेना तन्वी. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. सम लाइंस ऑन कैमिलो गोल्जी. जल्दी पढ़ो कोई भी एक बच्चा. कैमिलो गोल्जी वाज बोर्न एट 14 Garcia in 1850. He studied medicine at the University of Pavia. So Golgi Cortino में Brescia में born हुआ था. But इसमें भी एक और दो line edit करनी है. हम जब किसी scientist के बारे में बताते हैं तो उसकी discovery mention करना जरूरी होता है. सिर्फ उसकी date of birth और place of birth बताने से काम नहीं चलता. ठीक है, clear हो रहा है? तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा ही डिस्कवर्ड, ही हैज वर्कड ऑन द न्यूरॉन सेल्स. न्यूरॉन सेल्स पे उसने काम किया था. ही स्टेन्स द न्यूरॉन सेल्स एंड इन दैट ही स्टडीड गोल्जी अपैरेटस. डिस्कवर्ड गोल्जी अपैरेटस. गोल्जी अपैरेटस. ठीक है, क्लियर हो गया? अपैरेटस, यस मैम. दैट्स व्हाई ही रिकमेंडेड द नेम फॉर गोल्जी अपैरेटस एज कैमिलो गोल्जी. हाँ, अगर आप ये दोनों लाइंस नहीं लिखोगे तो आंसर इनकम्प्लीट है कि कैमिलो गोल्जी न्यूरॉन्स पे था और न्यूरॉन्स में वो कौन सी चीज देखता था. गोल्जी अपैरेटस. मैम ये क्वेश्चन कहीं नोट डाउन थोड़ी ना करने. ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन नहीं करने, जस्ट ये क्वेश्चन आपको सिर्फ हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. इन क्वेश्चन वैसे ही सभी बच्चों के क्वेश्चन डिस्कस होंगे. जल्दी जल्दी बताओगे तो जल्दी जल्दी होंगे.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो डिस्कस. हाउ इज द सेल ऑफ ओनियन सीन सेल ऑफ अंडर माइक्रोस्कोप सीन अंडर माइक्रोस्कोप. दी स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन अनियन बल्ब. इट लुक्स लाइक स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस, देयर इज न्यूक्लियस इनसाइड इट. वेरी गुड. अनियन पील हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो सारे सेल्स एक जैसे लगते हैं और एक बड़ा सा अनियन बल्ब के अंदर सेल्स भरे हुए होते हैं. सेल्स भरे हुए होते हैं. इट लुक्स लाइक स्मॉल बॉक्सेस. ये स्मॉल बॉक्सेस में दिखते हैं और उसका न्यूक्लियस उसके अंदर होता है. व्हाट डू यू मीन बाय सेल डिवीजन? जल्दी से ये करो. व्हाट डू यू मीन बाय सेल डिवीजन? द प्रोसेस बाय व्हिच अ पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल. हाँ, दो एक लाइन का क्वेश्चन बेटा, दो मार्क्स का नहीं होता. तो यू शुड टेल, इसमें आंसर बहुत एक्सटेंड हो सकता है. आर यू लिसनिंग ना? मैं जहाँ जहाँ एडिटिंग करने को बोल रही हूँ आपको एडिटिंग करनी है. तो ट्वेल्थ आंसर में आपको एडिट करना है कि आप सेल डिविजन से क्या समझते हो. तो आप लिखोगे द प्रोसेस बाय विच पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू मोर डॉटर सेल्स एंड इट अकर्स, इट इज ऑफ टू टाइप माइटोसिस एंड मियोसिस. And it occurs because क्यों होता है? What do you mean by cell division के बाद यहाँ पे लिख दोगे mention its two type. Mem to replace the dead cells to the growth. To replace the dead cells to growth of new cells. Very good. To replace the dead cell and to grow new cells. And grow कराता है. And to repair the. Yes ma'am. Next question. Next question. What is active transport? The movement of molecules against the membrane in cell. कोई भी मॉलिक्यूल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाए. नॉर्मली चीज क्या होती है कि टूवर्ड्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है. जैसे डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर में जाता है. हायर से लोअर में होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट. उस ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं? पैसिव. बट अगर उल्टा ट्रांसपोर्ट हो रिवर्स डायरेक्शन में, कि जहां कम है वहीं से ऑल जहां ऑलरेडी कम है वहीं से ज्यादा चलते जा रहे हैं, तो वो कैसा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? एक्टिव. इट विल बी कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. उसमें एनर्जी भी यूज होती है. ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इट ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी. तन्वी यू विल एड दिस लाइन दैट एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी. क्लियर? यहाँ लिखना पड़ेगा इट ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी. ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द मेन फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. बताए कौन? द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ टू द ऑर्डर इंटीरियर ऑफ सेल एंड द आउटर एनवायरनमेंट. वेरी गुड. राइट द मेन फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. में सेल मेम्ब्रेन विल बी सेपरेटिंग द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो रेगुलेट द movement. Now what is endocytosis? Endocytosis, पढ़ो जल्दी से. Endocytosis is the injection of food other material by folding of the plasma membrane. It has seen in amoeba. Very good. So endocytosis में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करने शुरू किए थे कि एंडोसाइटोसिस एनिमल सेल क्यों कर पाते हैं. बिकॉज एंडोसाइटोसिस में एनिमल सेल के पास आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि क्या कर सकता है, फूड को अपने अंदर ले सकता है. ठीक है, तो अमीबा उसका एग्जांपल है. अमीबा अपने आराम से फूड इंगल्फ कर सकती है. वॉट इज माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विच रेंडर्स माइन्यूट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली विजिबल. तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एक लेंस होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है. मतलब एक ऊपर होता है आई के पास तो आई पीस, एक नीचे होता है ऑब्जेक्ट के पास तो ऑब्जेक्टिव, और दोनों लेंसेज मिलकर किसी भी छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंक्टली विजिबल बनाते हैं. क्लियर? मतलब साफ साफ दिखाते हैं. क्लियर हो गया? यस मैम. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये वाले क्वेश्चंस भी हो गए, सारे हो गए. आई थिंक सारे हो गए होंगे.
यस मैम, ऑल आर कवर्ड, ऑल आर डन. तो अब हम कुछ टाइम अभी भी हमारे पास है, तो नेक्स्ट बच्चे का शेयर करते हैं, ठीक है? खुशी शर्मा, खुशी शर्मा का अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, और जल्दी जल्दी करेंगे, जैसे अभी हमने करा वैसे जल्दी जल्दी करेंगे. ओके, आप लोग मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हो, अगर आप व्हाट्सएप नहीं कर करना चाहते तो यू कैन ईमेल आल्सो. मेरा ईमेल मैं आपको आज अपने अटेंडेंस वाले ग्रुप में भेज दूँ. ओके, तो मुझे डायरेक्टली ईमेल पे आ जाएंगे. ओके मैम, दो दो बार मेरी मेमोरी नहीं जाएगी, व्हाट्सएप की डाटा भी नहीं जाएगा, आपका भी नहीं जाएगा, तो आप एक ही बार में मुझे ईमेल पे ही भेज देना, ठीक है? तो अब हम लिख रहे हैं, अब हम खुशी शर्मा के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. पढ़ो खुशी, सबसे पहले तुम ही पढ़ो अपना फर्स्ट क्वेश्चन. खुशी, व्हाट आर द फंक्शन, पढ़ो आंसर डिस्कस करो. सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड ऑस्मोटिक, इट आल्सो अलाउज सेल्स टू प्रेशर, व्हिच इज द प्रेशर ऑफ द सेल. वेरी गुड. सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कवर करती है और वो एक टेंसाइल स्ट्रेंथ देती है सेल को, जो किसी भी मैकेनिकल और ऑस्मोटिक स्ट्रेस से उसे बचाता है. बहुत अच्छा लिखा है. टेंसाइल चीज क्या होती है कि हम किसी चीज की स्ट्रेस क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर टेंशन में, टेंशन मतलब उसे हम दबाने की कोशिश करें, उसको उसके ऊपर साइड वाइज फोर्स लगाएं. जैसे अगर ये क्यूब है, ठीक है, अगर एक यहाँ एक क्यूब है, सही से बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके जोड़ दिया हमने इसे, और इसको मैं यहाँ से प्रेशर दे रही हूँ इस तरफ से, तो ये क्यूब कैसा हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, इट विल बी टिल्टेड, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा. दिस विल बिकम, इट विल बिकम, तो ये वाला स्ट्रेस जो होता है, जो डायगनली लगाया जाता है, मतलब डायगनल पे लगाया जाता है, एंड तो उससे क्या हो जाती है, चीज टिल्ट हो जाती है, दबती है प्रेशर से. तो ऐसे प्रेशर जब हम प्लांट सेल पे लगाते हैं, अगर ये क्यूब वाला अगर प्लांट सेल होता, तो प्लांट सेल पे जब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाते हैं, या इसमें पानी भरे जाता एंडोस्मोसिस हो ही जाती अंदर, बाहर से अंदर, ये स्ट्रेच होता, इसको साइज बढ़ता, तो इसका साइज बढ़ता तो इसको कौन बचाता, सेल वॉल. इसका काम है बचाने का किसी भी तरह के फिजिकल टेंशन से, सेल वॉल मैकेनिकल स्ट्रेस से या ऑस्मोटिक स्ट्रेस. मैंने क्या बोला, पानी भरता जाता किसका काम है, ऑस्मोटिक स्ट्रेस है. पानी भरते जाना किसका एग्जाम्पल है, ऑस्मोटिक स्ट्रेस का है. जो पिचका रहे थे हम सेल को, टेढ़ा कर रहे थे, वो किसका काम है, मैकेनिकल. तो इन दोनों में टेंशन आती है, दोनों ही चीजों में सेल में टेंशन आती है, और टेंशन से कौन बचाता है उसे, हर तरह की टेंशन से सेल को कौन, सेल वॉल फंक्शन हो गया सेल वॉल का. और एक अंदर पानी भरने के बाद सेल के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, उसे क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर. प्रेशर कहते हैं टर्गर प्रेशर. हाँ बोलो. मैम, आई वांट टू टेक चेंज माय इंग्लिश बुक, सो मैम स्कूल काउंटर इज ओपन, बुक काउंटर इज ओपन. यस, यस्टरडे तो इट वाज ओपन, टुडे आई थिंक आल्सो इट इज ओपन, बिकॉज़ स्टूडेंट्स रिक्वायर ना समथिंग फॉर देयर एक्टिविटीज, सम मटेरियल्स दे रिक्वायर, सो दे कैन कम एंड कलेक्ट. इवन हॉस्टल स्टूडेंट्स आर बाइंग द मटेरियल्स फ्रॉम हियर. ओके मैम. So now we will move to the next question. Who will? May I read the question? Yes. May I read? Lysosomes. What are lysosomes? Write their functions. A lysosome is a membrane-bound cell organelle that contain digestive enzymes. Functions: they break down excess of worn-out cell parts. They must be used to destroy invading viruses, bacteria. If the cell is damaged beyond repair, lysosomes can help it to self-destruct it in process called apoptosis. Very good. Apoptosis. Apoptosis क्या होता है? Apoptosis ये cell death होती है. Cell death. मतलब हमें पता ही है, जो cell बहुत ज़्यादा अपने आप को सही नहीं रख पाएगा
और बहुत डैमेज होता जाएगा, तो उसको क्या होना पड़ेगा, लास्टली सेल डेथ होनी पड़ेगी एपोप्टोसिस, क्योंकि खराब चीज मैम यस डैमेज हो चुका है, सेल इज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर, अब रिपेयर भी नहीं हो सकता, तो लाइसोसोम सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देंगे, सुसाइड बैग होते हैं लाइसोसोम, तो अपनी इंजाइम बाहर रिलीज कर देंगे, यस मैम, इनके अंदर बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, ये ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर, एंड दे विल बर्स्ट आउट, एंड दे विल बर्स्ट आउट, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सीपीयू मेम्ब्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड covering called nuclear membrane. The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm. Nucleus क्या होता है? Double layer का एक organelle है जो nuclear membrane से cover रहता है. Nuclear membrane में छोटे-छोटे से pore होते हैं and nucleus उसका उसके बाहर जो भी चीजें होती है वो nucleus का खुद का भी cytoplasm होता है. यहाँ पे खुशी आप एक वर्ड ऐड कर दोगे कि न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, अच्छा आप दूसरी चीज बता रहे हो, आप बता रहे हो न्यूक्लियस के बाहर जो मटेरियल है वो क्या है, न्यूक्लियस के आउटसाइड जो मटेरियल है उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, आपने ये बताया, बट यू शुड ऑल्सो एड के न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है जिसे क्या कहते हैं, मुझे जल्दी से यहाँ पर न्यूक्लियस का डायग्राम बना के दिखाओ, कोई भी एक बच्चा ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस, जैसा इसने लिखा है वैसा डायग्राम बनाना है, लेयर होगी एक, पोर्स होंगे उसमें छोटे छोटे, ट्राई करो बनाने के लिए, जल्दी से बनाओ, यस मैम, वेरी गुड, सिर्फ इनके इनिशियल लेटर से इन्हें अब लेबल भी करो, कौन कौन सी चीजें हैं, इनिशियल लेटर से लेबल कर दो, अब इनको लेबल कर दो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लिख दो NM, और नेक्स्ट न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बनेगा और फाइबर्स बनेंगे, अंदर जो भी फाइबर्स होंगे उनको क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल देम, फाइबर्स,